ग्रेप आइसक्रीम है, बहुत इजी वे से और बहुत ही डिलीशियस। ग्रेप्स का सीजन है तो हम जरूर से इसको बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से छोटे छोटे कट करके जिसमें भी आपने आइसक्रीम को सर्व करना है हम उसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें हम डालेंगे पाउडर शुगर, एक चम्मच, 1 स्पून जितनी हम इसमें ऐड करेंगे ये पाउडर शुगर। इसको हमने यूं प्रेस करना है ताकि जो ग्रेप्स का जूस है और ये जो शुगर है ये मिक्स हो जाए। अच्छे से स्क्वीज हो गया जूस। अब हम क्या करेंगे, मेरे पास है वनीला आइसक्रीम। वन स्कूप वनीला आइसक्रीम का डालकर हल्का सा यूं हम इसमें मिक्स कर लेंगे, बस इतना ही। अब अच्छे से हम इसको आइसक्रीम के साथ फिल कर लेंगे। वनीला आइसक्रीम हमने डाल ली। अब ये हैं कुछ नट्स हैं, बिल्कुल ऑप्शनल हैं। आइसक्रीम में नट्स का जो क्रंच है बहुत बढ़िया लगता है, तो मैं थोड़े से आलमंड चॉप करे हैं इनको डाल देंगे। और ऊपर से ग्रेप आइसक्रीम है तो हमने ये ग्रीन ग्रेप्स अच्छे से इसके ऊपर डाल लेंगे। ग्रेप्स पैनेज करने के बाद अब ये है मेरे पास हनी। इस तरह से ड्रिजल कर लेंगे तो देखिए झटपट से हमारी मज़ेदार सी ग्रेप आइसक्रीम बनकर फ्रेंड्स बिल्कुल रेडी है। इसको आप किसी भी टाइम किसी भी फ्रूट के साथ बना सकते हैं, बहुत यमी लगती है। ज़रूर से ट्राई कीजिए, बच्चों को बना के दे, गेस्ट आने पर बनाएं। बहुत ही सुंदर दिखती है और बहुत ही यमी लगती है।